नमस्कार दोस्तों, तो बिग बिलियन डे और अमेज़न ग्रेट इंडियन सेल बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। स्टार्टिंग डे भी अनाउंस हो चुका है, 10 अक्टूबर से शुरू होगा। अभी इस टाइम भी बहुत सारे लोग बहुत सारे स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, स्पेशली 12,000 के आसपास बहुत सारे 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आज के दिन में आपका बजट है एग्जैक्टली 12,000 रुपए के आसपास इंक्लूडिंग ऑफर, तो आज के दिन में टॉप 5 कौन कौन सा 5G स्मार्टफोन आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया होगा, इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई बात खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेटो चैनल पर नए हैं और ऐसी टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते तो गैजेटो चैनल को सबसे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, तो आज के जो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, इस लिस्ट के अंदर वैसे तो बहुत सारे 5G स्मार्टफोन है, लेकिन कुछ स्मार्टफोन के मैंने लिस्ट से टोटली बाहर किया है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे ब्रांड है जो कि आज के दिन में इस प्राइस में आपको 5G देगा, लेकिन उसके साथ जो डिस्प्ले वो भी आपको HD+ प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए मैंने ऐसे कोई भी स्मार्टफोन को मैंने लिस्ट से बाहर किया है। उसके अलावा इस प्राइस में कुछ स्मार्टफोन आपको 7 या फिर 8 5G बैंड देगा, लेकिन इंडिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट N77 और N78 ये दोनों आपको नहीं देगा, बस कोई एक देगा। तो ऐसे स्मार्टफोन को मैंने माइनस किया है। तो ये सभी चीज को देखते हुए हमारे इस लिस्ट का नंबर 1 ऑलराउंड 5G स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स हॉट 35G, जो कि आज से कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ था। ये जो स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है, करेंटली इसका प्राइस है 12,500 रुपए, लेकिन ऑफर मिला के ये फोन आपको मिल जाएगा 11,000 के आसपास। इसमें आपको मिलेगा 6.78 इंच फुल HD+ 120Hz IPS LCD डिस्प्ले, उसके साथ 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट। प्रोसेसर में आपको मिलेगा डायमेंसिटी 6020 5G प्रोसेसर। कैमरे में आपको मिलेगा 50 और 0.8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, उसके साथ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी। इस प्राइस पॉइंट में आपको मिलेगा इसका 4GB रैम, 128GB मेमोरी। रैम का क्वालिटी है LPDDR4X, मेमोरी पर आपको मिलेगा UFS 2.2 और उसके साथ डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट। बैटरी में आपको मिलेगा 6000mAh बैटरी, 18W का चार्जर और उसके साथ ही डुअल स्टीरियो स्पीकर। और अगर हम इसके कुछ बाकी फीचर के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलेगा एंड्रॉयड 13 आउट ऑफ द बॉक्स, 3.5mm जैक और टोटल 14 5G बैंड। और जैसे ही मैंने कहा था, इस प्राइस पर मैंने हर एक स्मार्टफोन में N77 और N78 ये दोनों 5G बैंड को मैंने इंक्लूड किया है। तो ये जो फोन, ये एक्चुअली प्राइस पॉइंट का वन एंड ओनली ऐसा स्मार्टफोन है। पहली बात, इसमें आपको सभी के सभी 5G बैंड मिलेगा। प्राइस पॉइंट का वन एंड ओनली ऐसा 5G स्मार्टफोन जिसमें आपको डुअल स्पीकर मिलेगा। इसके अलावा 6000mAh बैटरी, अभी 6000mAh बैटरी इसके अलावा सिर्फ सैमसंग के स्मार्टफोन में आपको मिलेगा। उसके बाद इसका जो प्रोसेसर प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक ठाक है, और इसके लिए भी इसका जो डिस्प्ले रिफ्रेश रेट और टच सैम्पलिंग रेट का जो कॉम्बिनेशन, ये भी प्राइस पॉइंट के हिसाब से एकदम बढ़िया है। इसका मतलब अगर आज के दिन में आपका बजट है एग्जैक्टली 12,000 रुपए, तो मेरे ख्याल से इन्फिनिक्स हॉट 35G से बेटर ऑप्शन आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। अभी बाई चांस आपको इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन पसंद नहीं है, तो आप लोगों के लिए दूसरा सबसे बढ़िया चॉइस है गैलेक्सी M14 5G। वैसे ये जो स्मार्टफोन नॉर्मल टाइम में अवेलेबल है 14,000 पे, लेकिन पूरे साल इसके ऊपर आपको 2,000 रुपए का कार्ड डिस्काउंट को मिलता है, आप अभी भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये फोन आपको एग्जैक्टली मिलेगा 12,000 पे। तो इसमें आपको मिलेगा 6.6 इंच फुल HD+ 90Hz PLA LCD डिस्प्ले, उसके साथ कितना टच सैम्पलिंग रेट है कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं। प्रोसेसर में आपको मिलेगा एक्सिनोस 1330 5G प्रोसेसर, 50-202 का रियर कैमरा, उसके साथ 13 मेगापिक्सल का सेल्फी। इस प्राइस पॉइंट में आपको मिलेगा इसका 4GB रैम, 128GB मेमोरी। रैम का क्वालिटी है LPDDR4X, मेमोरी पर आपको मिलेगा UFS 2.2 और उसके साथ डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट। बैटरी में आपको मिलेगा 6000mAh बैटरी, 25W का चार्जिंग सिस्टम और उसके साथ सिंगल स्पीकर का ऑप्शन। और अगर हम इसके भी कुछ बाकी फीचर के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलेगा एंड्रॉयड 13 आउट ऑफ द बॉक्स, 3.5mm जैक और टोटल 13 5G बैंड। और इसके अंदर भी जो N77 और N78 दोनों ही आपको मिलेगा। अभी देखिए, ये जो स्मार्टफोन क्यों इतना बढ़िया है, क्योंकि पहली बात तो ब्रांड है सैमसंग की तरफ से, मतलब एक ब्रांड वैल्यू हमें मिलता है। मतलब अगर भी फोन को रीसेल करेंगे तो भी ज्यादा वैल्यू मिलेगा, अगर भी स्मार्टफोन को खुद इस्तेमाल करेंगे तो भी ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन सही रहेगा। उसके बाद सैमसंग का जो स्मार्टफोन जनरली गेमिंग के लिए सही नहीं रहता है, लेकिन डे टू डे काम के लिए काफी सही रहता है। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा 5G स्मार्टफोन चाहिए जिसे बहुत ही लंबे समय तक, मतलब ऑलमोस्ट 3 से 4 साल तक इस्तेमाल करना चाहते, तो प्रोबेबली इस ब्रांड से बेटर ऑप्शन और कोई भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए
गैलेक्सी M14 5G जो कि Amazon पे अवेलेबल है, आप लोगों के लिए दूसरा सबसे बढ़िया चॉइस है। अभी बाय चांस गैलेक्सी M14 के ऊपर कोई ऑफर नहीं मिलता है और इन्फिनिक्स आपको पसंद नहीं है, तो आप लोगों के लिए तीसरा सबसे बढ़िया चॉइस है Vivo T2X 5G जो कि आज के दिन में Flipkart में अवेलेबल है। करंटली इसका प्राइस है 13,000, लेकिन ऑफर के टाइम ये आपको मिल जाएगा 11,500 से लेके 12,000 के आसपास। इसमें आपको मिलेगा 6.58 इंच फुल HD प्लस 60Hz IPS LCD डिस्प्ले, उसके साथ 120Hz का टच सैम्पलिंग रेट। प्रोसेसर में आपको मिलेगा Dimensity 6020 5G प्रोसेसर, 52 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा, उसके साथ है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी। इस प्राइस पॉइंट में आपको मिलेगा इसका 4GB रैम, 128GB मेमोरी। रैम का क्वालिटी है LPDDR4X, मेमोरी पर आपको मिलेगा UFS 2.2 और उसके साथ हाइब्रिड कार स्लॉट का ऑप्शन। बैटरी में आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी, 18W का चार्जर और उसके साथ है सिंगल स्पीकर का ऑप्शन। और अगर हम इसके भी कुछ बाकी फीचर के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलेगा एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स, 3.5mm जैक और टोटल 6 5G बैंड मिलेगा जिसके अंदर N77 और N70 दोनों ही मिलेगा। अभी देखिए क्योंकि स्मार्टफोन है वीवो की तरफ से और जनरली वीवो का जो कैमरा ऑप्टिमाइजेशन वो सही रहता है, तो इसीलिए जिन लोगों को ओप्पो वीवो के स्मार्टफोन लेना पसंद है उन लोगों के लिए वीवो T2X एकदम परफेक्ट चॉइस है। अभी इसके बाद का जो स्मार्टफोन वो एक्चुअली रियलमी की तरफ से, क्योंकि मैंने देखा है कि रियलमी का 5G स्मार्टफोन बहुत सारे लोग लेना पसंद करते हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया चॉइस है Narzo 60X 5G जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, अमेजोन पे अवेलेबल है। करंटली इसका प्राइस है 13,000 रुपए, लेकिन ऑफर के टाइम ये फोन आपको मिल जाएगा 11,500 के आसपास। इसमें आपको मिलेगा 6.72 इंच फुल HD प्लस 120Hz IPS LCD डिस्प्ले, उसके साथ 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट। प्रोसेसर में आपको मिलेगा Dimensity 6100 प्लस 5G प्रोसेसर, 52 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा, उसके साथ है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी। इस प्राइस पॉइंट में आपको मिलेगा इसका 4GB रैम, 128GB मेमोरी। रैम का क्वालिटी है LPDDR4X, मेमोरी पे आपको मिलेगा UFS 2.2 और उसके साथ डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट। बैटरी में आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी, 33W का चार्जर और उसके साथ है सिंगल स्पीकर का ऑप्शन। और इसके बाद में से कुछ बाकी फीचर के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलेगा एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स, 3.5mm जैक और टोटल 9 5G बैंड जिसके अंदर N77 और N78 दोनों ही मिलेगा। और इसके बाद हमारे इस लिस्ट का आखिरी चॉइस है जो कि थोड़ा सा पुराना हो चुका है लेकिन फिर भी काफ़ी बढ़िया एक स्मार्टफोन है। फोन का नाम है इन्फिनिक्स हॉट 20 5G जो कि अभी करेंटली अवेलेबल है 11,500 रुपए पे, लेकिन सेल के दौरान सेम फोन आपको मिल जाएगा एग्जैक्टली 10,000 पे। इसमें आपको मिलेगा 6.58 इंच फुल HD प्लस 120Hz IPS LCD डिस्प्ले, उसके साथ 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट। प्रोसेसर में मिलेगा Dimensity 810 5G प्रोसेसर, 52 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा, उसके साथ है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी। इस प्राइस पॉइंट में आपको मिलेगा इसका 4GB रैम, 64GB मेमोरी। रैम का क्वालिटी है LPDDR4X, मेमोरी पे आपको मिलेगा eMMC 5.1 और उसके साथ डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट। बैटरी में आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी, 18W का चार्जर और उसके साथ है सिंगल स्पीकर का ऑप्शन। तो अगर हम इसके भी कुछ बाकी फीचर के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलेगा एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स, 3.5mm जैक और टोटल 12 5G बैंड मिलेगा जिसके अंदर N77 और N78 दोनों ही अवेलेबल है। तो यही था 12,000 रुपए अगर आपका बजट है तो इस सेल के दौरान सबसे बेस्ट ऑलराउंड 5G स्मार्टफोन का लिस्ट। वैसे इसके बाद भी मैं आपको कुछ और स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा, अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं। याद है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था इस प्राइस पॉइंट में कुछ ऐसे ब्रांड है जो कि आपको सभी के सभी 5G बैंड देगा, बढ़िया स्पेसिफिकेशन भी देगा, लेकिन जो डिस्प्ले वो आपको प्रोवाइड करेगा HD प्लस डिस्प्ले। तो अगर आपको HD प्लस डिस्प्ले से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोगों के लिए एक्चुअली 3 चॉइस है। एक का नाम है लाभा ब्लेस 5G जो कि अमेजोन पे अवेलेबल है, 8 5G बैंड है, ठीक ठाक इसका स्पेसिफिकेशन है और ये जो स्मार्टफोन 11,000 पे आपको प्रोवाइड करेगा 6 128GB जो कि डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया बात है। दूसरा आप लोगों के लिए चॉइस है गैलेक्सी M13 5G, इसमें भी वही सेम सभी के सभी 5G बैंड मिलेगा लेकिन HD प्लस डिस्प्ले और ये जो स्मार्टफोन अमेजोन पे अवेलेबल है एग्जैक्टली 12,000 पे। और तीसरा स्मार्टफोन एक्चुअली है टेक्नो स्पार्क 10 5G जो कि मैंने जो कहा था इन्फिनिक्स हॉट 10 5G उसका डाउनग्रेडेड वाला वर्शन है, अमेजोन पे अवेलेबल है और इसका प्राइस है 12,500 रुपए और इसमें भी आपको मिलेगा HD प्लस डिस्प्ले। और इसके अलावा एक और स्मार्टफोन है जिसका नाम है पोको M6 प्रो 5G। अब इस स्मार्टफोन को मैंने लिस्ट से बाहर किया क्योंकि इसमें आपको मिलेगा 7 5G बैंड जो कि ठीक ठाक है, लेकिन जो दो सबसे इंपॉर्टेंट बैंड है मतलब N77 और N78 दोनों में से भी N78 वाली बैंड आपको मिलेगा। अभी आपको सर लगेगा कि अगर हमारे फोन में
M78 ब्रांड होगा तो क्या 5G नहीं चलेगा? देखिए 5G तो चलेगा, लेकिन कुछ जगह पे जहाँ पर कॉन्जेशन का थोड़ा सा इशू है उस जगह पे प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए इस स्मार्टफोन को मैंने लिस्ट से बाहर दिया है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर नेटवर्क का ज़्यादा कोई इशू नहीं है तो आप लोगों के लिए पोको M6 Pro 5G एक बहुत ही बढ़िया चॉइस होगा, क्योंकि बहुत बढ़िया डिस्प्ले, बढ़िया प्रोसेसर और सबसे मेन चीज़ सबसे कम पैसे में आपको सबसे ज़्यादा रैम और स्टोरेज का कॉम्बिनेशन भी आपको मिलेगा। तो अभी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको इस सभी लिस्ट के अंदर कौन सा सबसे बढ़िया लगा, और इसके बाद आप इसे कौन से टॉप 5 स्मार्टफोन का लिस्ट सेल के दौरान आप देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट में कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।